रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। तो आज हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं अपनी, जो कल हमने फर्मी लेवल किया था उससे थोड़ा आगे बढ़ के। कल हमने निकाली थी प्रोबेबिलिटी, जो हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन था, है ना। कल हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे कि किसी इलेक्ट्रॉन के किसी अवेलेबल स्टेट को ऑक्यूपाई करने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना। आज हम लोग थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कल हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी, आज हम लोग निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन क्या है। इन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ठीक है। कल हमने बात की थी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये ऑक्यूपाई करेगा किसी स्टेट को कंडक्शन बैंड में या नहीं करेगा, ठीक है। आज हम लोग निकालेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स या होल्स ने उस ऑक्यूपाई कर लिया है उस लेवल को, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे देखिए। जो हमारा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन, इसको हम दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और होल्स, कंसंट्रेशन का मतलब यही हुआ ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, है ना। तो अगर हम बात करें इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर ये नंबर हो गया एन, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज ए स्टेट विच हैज एनर्जी ई सी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एन सी से। एन सी यहाँ पे क्या है, एन सी इक्वल टू इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है। हमने प्रोबेबिलिटी को डेंसिटी ऑफ स्टेट्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ने उन स्टेट्स को ऑक्यूपाई एक्चुअली में कर लिया है, क्योंकि हमने उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, प्रोबेबिलिटी से कर दिया। एन सी है अवेलेबल स्टेट, ठीक है, और एन क्या है, एन है कितने इलेक्ट्रॉन्स ने उन अवेलेबल स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर लिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव ऑक्यूपाइड दी अवेलेबल स्टेट, अवेलेबल स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड, ठीक है। और एनसी क्या है, एनसी है आपका नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो इस नंबर से हमने प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल ऑक्यूपेंसी का नंबर हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो ये एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू एन सी, इस फंक्शन का हमने कल जो फॉर्मूला लिखा था वो हम वापस से पुट कर देंगे, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल। और एक बात आप ध्यान दीजिए, अगर ये अभी फर्मी लेवल वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसको लेके बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये अभी आपको केवल क्वालिटेटिवली पढ़ना है ऊपर ऊपर से, इसको डिटेल में हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करेंगे, ठीक है। कन्फ्यूज़न आपको इसलिए है क्योंकि हम लोग सीधे फर्मी लेवल पर जंप किए हैं यहाँ पे, उसके पीछे का हमने अभी कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है। इसलिए उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा कि आप सोचो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि फर्मी लेवल क्या होता है, वो अभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऊपर ऊपर से मतलब जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप समझ लीजिए, उससे ज़्यादा अभी इसमें जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया एन इक्वल टू एन सी 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल
कल हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, ई माइनस ई एफ। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्शन बैंड की, तो कंडक्शन बैंड के लिए हमने इसको नाम दे दिया ई सी माइनस ई एफ ओवर के बी टी, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास जो एनवायरनमेंट में एनर्जी है वो सफिशिएंट नहीं है, टेम्परेचर थोड़ा सा लो है, ठीक है, टेम्परेचर इज नॉट हाई इनफ, इफ द टेम्परेचर इज नॉट हाई इनफ, उस केस में क्या होगा, उस केस में ई सी माइनस ई एफ, ठीक, जो कि कंडक्शन बैंड और फर्मी लेवल इनके बीच का जो एनर्जी गैप है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी के बी टी से। मीन्स एनर्जी इज नॉट सफिशियंट इनफ टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्मी लेवल टू कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये जो हमारा फर्मी लेवल है और ये है कंडक्शन बैंड, इसके नीचे कहीं पे है वैलेंस बैंड, ठीक है। तो फर्मी लेवल के नीचे से किसी इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए एनर्जी इज नॉट इनफ, ये जो एनर्जी गैप है इसको कवर करने के लिए केबीटी की वैल्यू इनफ नहीं है, ठीक है, ये मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का, केबीटी की वैल्यू इससे कम है, ठीक है। तो इस केस में हमारा ये फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन हमारा बन जाएगा एन इक्वल टू एन सी, नीचे आप देखो नीचे क्या होगा, वन प्लस है, ठीक है। अगर ई सी माइनस ई एफ की वैल्यू ज़्यादा है तो एक्सपोनेंशियल टर्म हमारा काफ़ी बड़ा होगा वन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो नीचे जो वन है उसको हम इग्नोर कर देंगे, वन को हमने इग्नोर कर दिया एक्सपोनेंशियल के कंपैरिजन में, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म काफ़ी बड़ा है, क्योंकि उसका ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से बड़ा है, ठीक है। तो इसको वापस से ऊपर लेके आ जाते हैं, एन इक्वल टू एन सी एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे माइनस बन जाएगा ई सी माइनस ई एफ के बी टी, ठीक है। यहाँ से अगर हम लॉग ले लें, लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, लॉग लेने पे बन जाएगा लॉग एन, नेचुरल लॉग है इसलिए मैं उसको एल एन लिखता हूँ, एल एन एन इक्वल टू एल एन एन सी प्लस एल एन एक्सपोनेंशियल माइनस बी सी माइनस ई एफ ओवर के बी टी, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं चीज़ों को, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा लॉग टर्म को एक तरफ लेके चले जाते हैं और एक्सपोनेंशियल वाले को धर ले आते हैं, ये आ जाएगा एल एन एक्सपोनेंशियल माइनस ई सी माइनस ई एफ ओवर के बी टी इक्वल टू, यहाँ भी माइनस आ गया, एल एन एन सी माइनस एल एन एन, ठीक है। ये नेचुरल लॉग अगर एक्सपोनेंशियल के साथ आ रहा है तो क्या होगा, जो ये पावर की वाली चीज़ है ये बाहर आ जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचा ई सी माइनस ई एफ ओवर के बी टी। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने इस्तेमाल की, एल एन ई टू द पावर एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू लॉग लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या हो जाएगा लॉग ए अपॉन बी, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने बेसिकली देखो क्या निकाल लिया, हमने निकाला है यहां से ई सी माइनस ई एफ इक्वल टू के बी टी एल एन एन सी ओवर एन, ठीक है। ये ई सी माइनस ई एफ हमें क्या बता रहा है, ई सी माइनस ई एफ हमें ये बता रहा है, ये अगर हमारा ई सी है, ई सी मतलब यहाँ से हमारा इसके ऊपर कंडक्शन बैंड स्टार्ट हो जाता है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स की हम लोग बात कर रहे हैं ना बोहर एटॉमिक मॉडल से, ये है आपका वैलेंस बैंड, इसको मैंने बोल दिया ई वी, ठीक है। इसके बीच में कहीं पर इतने रीजन में हमारा फर्मी लेवल है, मान लिया यहाँ पे है, ये हमारा है फर्मी लेवल, बेटा ये स्टॉप हो रहा है, एक मिनट होल्ड करना है।
आ गया। ये वैलेंस बैंड था। ईवी के नीचे के सारे बैंड्स क्या हैं? सारे एनर्जी लेवल्स वैलेंस बैंड में आते हैं। ईसी के ऊपर के सारे लेवल्स कंडक्शन बैंड में आते हैं। ठीक है, इनके बीच में कहीं पे इतने एरिया में हमारा एक फर्मी लेवल है, ईएफ कहीं पे है। तो उसकी पोजीशन हमको निकालनी है कि वो कहाँ पे है। ठीक है, तो वो पोजीशन यहाँ से आई है हमारे पास, ईसी माइनस ईएफ, कि ईसी से ईएफ कितना नीचे है, वही मतलब हुआ ना ईसी माइनस ईएफ का। समझ में आई ये बात? अगर मैंने बोल दिया मेरा ईएफ यहाँ पे है, तो ये डिफरेंस क्या हो गया? ये डिफरेंस हो गया ईसी माइनस ईएफ। ये बात आपको समझ में आई? ये जो हमने ये ब्रैकेट में जो रिलेशन बना के दिखाया, इसका मतलब है कि हम लोग फर्मी लेवल की पोजीशन को बता रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू कंडक्शन बैंड। समझ में आया कथक बेटा? समझ में आया? बोलो। ठीक है, चलो। तो ये हो गया हमारा ई सी माइनस ई एफ। अच्छा, आप रिलेशन देखो इनका कैसा बन रहा है। दो रिलेशंस हैं यहाँ पे, ई सी माइनस ई एफ इज प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू टी का क्या मतलब है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एज द टी इंक्रीजेस, फर्मी लेवल नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? इस रिलेशन से आपको क्या पता चल रहा है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो फर्मी लेवल नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? ई सी माइनस ई एफ बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ, तो फर्मी लेवल नीचे आया या ऊपर गया, बताओ। ये जो बात कर रहे हैं इस फर्मी लेवल की, ये फर्मी लेवल नीचे आएगा या ऊपर जाएगा ई सी माइनस ई एफ बढ़ने के साथ? नीचे आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो गैप हमने बनाया है ई सी माइनस ई एफ, ये गैप बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, है ना? फर्मी लेवल गोज डाउन, डाउन मतलब टुवर्ड्स वैलेंस बैंड। ठीक है ना? और दूसरी चीज देखो, ई सी माइनस ई एफ, जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ेगा कंडक्शन बैंड में, जो एन का वैल्यू है, एन, जैसे जैसे एन बढ़ेगा कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा? ये जो हमारा एल एन, एन सी ओवर एन है, इसकी वैल्यू, एन की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ घटेगी एज एन इंक्रीजेज, है ना? एल एन एन सी ओवर एन डिक्रीजेस। क्लियर है? लॉग की वैल्यू जैसे जैसे आपकी घटेगी, वैसे वैसे, जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे लॉग का वैल्यू घटेगा। ठीक है ना? इसका मतलब ई सी माइनस ई एफ इज, इसको हम बोल सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। एग्जैक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नहीं, वहाँ पर लॉग का टर्म आया है, लेकिन जस्ट मैंने ये इसको सिग्निफाई कर दिया इस तरह से। ठीक है, एज एन इंक्रीजेज, है ना, ई सी माइनस ई एफ डिक्रीजेज। ठीक है, मीन्स फर्मी लेवल गोज टूवर्ड्स कंडक्शन बैंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इंक्रीजेस। ये बात आपको समझ में आ गई? दोनों की दोनों, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्चुअली देखो हो क्या रहा है। अब आपको ये रिलेशन समझ में आ रहा होगा, टेम्परेचर बढ़ने से आपका फर्मी लेवल नीचे जा रहा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड बढ़ने से आपका फर्मी लेवल ऊपर जा रहा है। ठीक है, मैथमेटिकली तो ये बात समझ में आ गई आपको, मैथमेटिक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है।
फिजिकली मैं अभी समझाऊंगा, पहले आप मुझे मैथमेटिक्स का बताओ, मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत है इसमें? मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब आप फिजिकली समझिए, फिजिकली हम इस बात को समझते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखो ये है आपका एक कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड, ठीक है। इसके बीच में कहीं पे फर्मी लेवल था, मैंने मान लिया यहाँ पे था ई एफ। इसके यहाँ पे फर्मी लेवल होने का क्या मतलब है? इसके नीचे तो इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन ऊपर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यही मतलब तो हुआ इस बात का, है ना? फर्मी लेवल हमें क्या बताता है? फर्मी लेवल हमें बताता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो, आयुष बेटा ये गलत बात है कि लेट हो गए तो सर फिर से बता दीजिए, टाइम से आना चाहिए आपको, और अगर आप लेट हो गए तो आप क्लास की रिकॉर्डिंग में देखना, ठीक है? बाकी लोग बोर हो जाएंगे ना, मैं दोबारा से बताने लगूंगा तो। चलिए इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि इसके नीचे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके नीचे इलेक्ट्रॉन्स हैं एब्सोल्यूट जीरो पे और ऊपर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन थोड़े से ज़्यादा टेम्परेचर पे टी ग्रेटर देन जीरो पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स मतलब नीचे से कुछ ऊपर चले गए इलेक्ट्रॉन्स, है ना? कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर चले गए हैं टी ग्रेटर देन जीरो पे, ठीक है? इसका मतलब ये होता है, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते जाएंगे उतना ही हमारा फर्मी लेवल ऊपर जाता जाएगा, है ना? समझ में आ रही है बात आपको? ये आया आपका एल एन ई सी बाई, सॉरी ई सी नहीं एन सी, एल एन एन सी बाई एन, ठीक है? ये वैल्यू आपका घटता जाएगा जैसे जैसे एन बढ़ेगा, दिस वैल्यू डिक्रीजेस एज एन इंक्रीजेस, इसलिए फर्मी लेवल हमारा ऊपर जाता है, क्योंकि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे उधर हमारा फर्मी लेवल बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? फर्मी लेवल क्या है? एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए हैं तो फर्मी लेवल भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है? और अगर हम बात कर लें जो हमारा दूसरा कंडीशन थी, इस फिगर को मैं यहाँ ले आता हूँ एक सेकेंड, ठीक है? ये हो गई हमारी पहली वाली एक कंडीशन जो हमने बनाई थी अभी विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा था हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस, तो हम टेम्परेचर डिपेंडेंस भी देख लेते हैं किस तरह से हो रहा है। ये कंडक्शन बैंड है, ये मान लिया हमने फर्मी लेवल है ई एफ, और ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड, क्लियर? वैलेंस बैंड में हमारे क्या है? कोवलेंट बॉन्ड्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, है ना? बहुत सारे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड, यही हो रहा है ना टेम्परेचर बढ़ने के साथ? इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है, और मैंने अभी आपको क्या बताया था, जहाँ जहाँ आपको इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता हुआ दिखेगा उसी तरफ आपका फर्मी लेवल मूव करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाने की ही वजह है कि आपका फर्मी लेवल नीचे आ रहा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। समझ में आया? कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को गेन करके कंडक्शन बैंड में भी जा रहे हैं लेकिन जनरेट ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर पहुंच रहे हैं, ठीक है? अरे इसका मतलब जनरेट ज्यादा हो रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है? इसलिए वैलेंस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, ठीक है? इसीलिए हमारा फर्मी लेवल वैलेंस बैंड की तरफ मूव करता है,
टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। समझ आ गई बात? कोई डाउट इस बात में? तो बेटा कमेंट करके इस बात में कोई डाउट है? समझ में नहीं आया। वॉइस, अच्छा वॉइस ब्रेक हो गई थी। चलो ठीक है, फिर से समझ लो। मैथमेटिक्स तो क्लियर थी ना, मैंने जो फिगर बनाया यही समझने है ना। मैथमेटिक्स तक तो क्लियर थी वॉइस। ठीक है चलो, पहले लेफ्ट वाले फिगर को देखो। हाँ, इसमें दो एनर्जी बैंड है हमारे, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड क्या है? ई सी के ऊपर जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं वो सारे किस में आते हैं? वो कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। और ई वी के नीचे के सारे बैंड्स किस में आ जाते हैं? वो आ जाते हैं आपके वैलेंस बैंड में। ठीक है ना, ये तो डिफिनेशन हो गई आपके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की। इसके बीच में कहीं पे हमारा फर्मी लेवल एक बना हुआ है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये फर्मी लेवल किस तरफ को मूव करेगा जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होता है। ठीक है, इस तरफ लेफ्ट वाले फिगर में हम देख रहे हैं वेरिएशन विद एन। जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चेंज हो रहा है वैसे वैसे ई एफ पे क्या फर्क पड़ता है। मैथमेटिकली हमने क्या देखा? मैथमेटिकली ई सी माइनस ई एफ का वैल्यू घटेगा जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ता है ना, क्योंकि एल एन एन सी ओवर एन का वैल्यू घटेगा। एन सी तो कॉन्स्टेंट है, नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स है एन सी, तो एन सी क्या है? नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स, तो ये तो कॉन्स्टेंट है। एन का वैल्यू बढ़ेगा जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में बढ़ते जाएंगे, इसलिए लॉग वाला टर्म आपका डिक्रीज होता जाएगा। वो डिक्रीज होगा, इसका मतलब ई सी माइनस ई एफ भी डिक्रीज होगा। ई सी माइनस ई एफ डिक्रीज होने का क्या मतलब है? आपका फर्मी लेवल ऊपर जा रहा है, ये गैप कम हो रहा है कंडक्शन बैंड और फर्मी लेवल के बीच का। ठीक है, ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे हैं नीचे से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं आपके। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने का मतलब है जो आपका टोटल एनर्जी स्पेक्ट्रम है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। क्रिस्टल का जो टोटल एनर्जी स्पेक्ट्रम है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो फर्मी लेवल क्या बताता है? फर्मी लेवल आपका एक मैक्सिमम लेवल बताता है कि ओवरऑल एनर्जी आपकी क्रिस्टल की इससे डिफाइन होगी, है ना। एब्सोल्यूट जीरो पे हमने क्या बोला था? उसके नीचे सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन एब्सोल्यूट जीरो से टेम्परेचर जब थोड़ा सा ज्यादा है उस टाइम पे क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर पहुंच गए हैं नीचे से, यहां से मूव करके। ठीक है, इसलिए आपका फर्मी लेवल भी टेम्परेचर के साथ साथ ऊपर मूव करता है। टेम्परेचर नहीं, सॉरी, जिस तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसी तरफ आपका फर्मी लेवल भी मूव करता है। समझ में आई ये बात? क्योंकि वो बेसिकली क्या बताता है कि उसके नीचे इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऊपर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए जिधर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो उसका पीछा करेगा एक तरह से। समझ में आया? क्योंकि उसको चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स उसके नीचे रहें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम राइट वाले फिगर पे, वेरिएशन विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ देखो क्या हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, हमने अभी कल भी देखा था, केबीटी जैसे ही मिलता है यहाँ पे आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक। ठीक है, उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं, वैलेंस बैंड में हो रहा है ये सब। कंडक्शन बैंड में हमारे पास क्रिस्टल नहीं है, वहाँ पे हमारे पास केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्रिस्टल कहाँ पे है? वैलेंस बैंड में रहता है। वैलेंस बैंड एक तरह से ग्राउंड स्टेट मान लो आप। ठीक है, तो जो भी हरकत हो रही है वो ग्राउंड स्टेट में ही हो रही है, वैलेंस बैंड में ही हो रही है। ठीक, तो वैलेंस बैंड में आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने लगता है। समझ लो यहाँ पे आपके चार इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो गए, होल्स को इग्नोर मार दो, चार इलेक्ट्रॉन चार होल्स।
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आपके जनरेट हो गए, चार जनरेट हुए, चार में से कोई एक उस एनर्जी को और यूज करके कहाँ ऊपर चला गया, कंडक्शन बैंड में, तो तीन नीचे रह गए, एक ऊपर चला गया। फर्मी लेवल ऑब्वियसली किधर जाएगा, जिधर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, ठीक है, तो फर्मी लेवल यहाँ पे आपका टेम्परेचर बढ़ने के साथ नीचे आ जाता है। समझ में आ गई बात, टेम्परेचर बढ़ेगा, फर्मी लेवल नीचे आएगा, ठीक, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा कंडक्शन बैंड में, तो हमारा फर्मी लेवल ऊपर जाएगा कंडक्शन बैंड की तरफ। क्लियर? ठीक, आप आ जाते हैं अपने होल्स वाली बात पर। ये तो हमने बात कर ली एन टाइप की, अब कर लेते हैं होल्स पर। कंसंट्रेशन, ठीक है, अभी हमने बात की थी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, अब हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ होल्स की। होल्स इन वैलेंस बैंड, होल्स हमारे हमेशा वैलेंस बैंड में ही देखने हैं हमको, कंडक्शन बैंड तक होल जाते ही नहीं है क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, फिर से हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं, जो हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन था वो क्या था, अब हम लोग बात कर रहे हैं वैलेंस बैंड की। ठीक है, तो ई वी ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्सपोनेंशियल ई वी माइनस ई एफ ओवर के बी टी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी, तो होल्स की प्रोबेबिलिटी होगी, होल्स की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली उसके अपोजिट हो जाएगी जो इलेक्ट्रॉन्स की है ना, वो कितनी हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इक्वल टू वन प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। होल बेसिकली क्या है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एब्सेंस का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको हमने क्या बोल दिया, होल। ठीक है, तो जिसको इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई नहीं किया है वही क्या है, होल है, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन वाली प्रोबेबिलिटी को वन में से माइनस कर दिया। वन का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना, उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया, तो हमारी किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, होल्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है कि वन माइनस क्यों लिया हमने। ठीक, तो यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी, पी मतलब होल्स, होल्स को मैं पी से दिखा रहा हूँ, पॉजिटिव, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस एफ ई वी एन वी। एन वी क्या है यहाँ पे, अवेलेबल स्टेट्स नियर बैंड। ठीक है, एन सी था आपका अवेलेबल स्टेट्स नियर कंडक्शन बैंड, एन वी है अवेलेबल स्टेट्स नियर वैलेंस बैंड। तो यहाँ से हमारा पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, सेम तरीके से जो अभी हमने मैथमेटिक्स किया था उससे हमारा पी का वैल्यू आ जाएगा, अगर आप देखो पूरा, चलो कर ही लेते हैं फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, वन प्लस एक्सपोनेंशियल ई वी माइनस ई एफ ओवर के बी टी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में क्या आ गया, एन वी आ गया, वापस से वही रिलेशन लगा दो, है ना। यहाँ पे देखो आप उसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है,
जो हमने लास्ट में लिया था उससे यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि KBT यहाँ पे आपका ज़्यादा है, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो अगर मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ले लूँ इसका, एक्सपोनेंशियल कह रहा हूँ सॉरी, बाइनोमियल, KBT बेटा, KBT का मतलब आपका बोल्ट्समैन कांस्टेंट, KB होता क्या? बोल्ट्समैन कांस्टेंट, ये तो पढ़ा होगा ना? ये आपका टेम्परेचर, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी डायमेंशन होती है एनर्जी, आपने 12th में पढ़ रखा है, ये वाला भूल गए हो। ये हो गया 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ईवी माइनस ईएफ ओवर KB, ठीक है? इसका पावर क्या हो जाएगा? -1, ठीक। एक मिनट बेटा रुकना जरा, हाँ अभी आ रहा हूँ मैं, 2 मिनट आप होल्ड करिए, मैं अभी आता हूँ। चल हाँ हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? आवाज आ रही है? ठीक, हम लोग थे पी इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ये, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों को केवल क्या कर देना है, बाइनोमियल थ्योरम को यूज करना है। तो पी इक्वल टू क्या बन, 1 माइनस 1, और ये -1 अंदर आ जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है? एक्सपोनेंशियल ई वी माइनस ई एफ ओवर KBT, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन में एन वी था यहाँ पे, तो पूरे के मल्टीप्लाई में आ जाएगा एन वी, ठीक है? कुछ नहीं किया है, केवल बाइनोमियल थ्योरम यूज़ किया है। तो पी इक्वल टू बन गया एन वी एक्सपोनेंशियल ई वी माइनस ओवर KBT, ठीक है ना? इसको फिर से आप लोग लॉग ले लीजिए, लॉग लेंगे सब कुछ करेंगे वापस से, तो क्या मिलेगा हमको? एल एन पी इक्वल टू एल एन एन वी एल एन एक्सपोनेंशियल ई वी माइनस ई एफ ओवर KBT, ठीक है? यहाँ से बचता है, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो ये बच्चा आपका माइनस में आ जाएगा। राइट वाले को हम इसको लेके आएंगे इधर, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस
ईवी माइनस ईएफ ओवर केबीटी इक्वल टू एलएन एनवी ओवर पी। ठीक है, तो यहां से ईएफ माइनस ईवी इक्वल टू क्या मिल गया, केबीटी एलएन एनवी ओवर पी। क्लियर। लास्ट वाले में रिलेशन था ईसी माइनस ईएफ, ईसी माइनस ईएफ आया था, ईसी ऊपर होता है, ईएफ उसके नीचे होता है, उसके नीचे क्या होता है, ये रिलेशन है ना, सबसे ऊपर होता है ईसी, उसके नीचे होता है ईएफ, उसके नीचे होता है ईवी। तो यहाँ पर रिलेशन क्या आया है हमारा, यहाँ पर रिलेशन आया है ई माइनस ईवी, ये वाला गैप जो है ईएफ माइनस ईवी आया है। ठीक है, चलो तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर से बात करें, पहला अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ई एफ माइनस ई एफ माइनस ई वी, इसका वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, ई एफ माइनस ई वी का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। ठीक है, सेकेंड वाला देख लो क्या होगा, जैसे आपका नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज होगा वैलेंस बैंड में, वैसे वैसे ई एफ माइनस ई वी इसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ई एफ माइनस ई वी इंक्रीज होने का क्या मतलब है, ई एफ गोज अप। ठीक, और इसका क्या मतलब है, ई एफ गोज डाउन। ठीक है, तो होल्स का कंसंट्रेशन जैसे जैसे वैलेंस बैंड में बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा फर्मी लेवल नीचे आएगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा फर्मी लेवल ऊपर जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी, इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा था, फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड से नीचे की तरफ आ रहा था। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारा फर्मी लेवल टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वैलेंस बैंड से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर आप जैसे ही बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फर्मी लेवल आपका सेंटर की तरफ मूव करेगा, एन टाइप में नीचे आएगा और पी टाइप में ऊपर जाएगा। ठीक है, कुल मिला के आप लोग अगर ध्यान दें तो फर्मी लेवल आपका सेंटर की तरफ जा रहा है टेम्परेचर के साथ। ठीक, रिलेशन विद टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर के साथ रिलेशन हमको देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बात की मैंने फर्मी लेवल की। ठीक, और ये मैंने मान लिया मिडिल, मिडिल मतलब ईसी और ईवी के बीच का जो है बाई टू, या फिर बैंड गैप का जो सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे कहीं है कंडक्शन बैंड, यहाँ वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड और ये है, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया एन टाइप, इस वाले को मैंने बोल दिया एन टाइप, इस वाले को बोल दिया पी टाइप। ठीक है, तो ऊपर हमने क्या देखा था, एन टाइप देखा था, एन टाइप में हमने देखा ये, अच्छा एक बैंड और बना लेते हैं, हमने देखा था एन टाइप में इसके पास में क्या होता है, डोनर लेवल होता है, ये क्या है ई डी डोनर लेवल, इसमें क्या होता है एक्सेप्टर लेवल होता है बैलेंस लेवल के पास, ये होता है एक्सेप्टर ई ए, ठीक है ना, ये भूल गए। तो क्या होगा,
एन टाइप में आपका फर्मी लेवल मान लिया शुरू में यहां पे था, तो वो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ नीचे आना शुरू होगा। नीचे आते आते वो कहां पे जाएगा, सेंटर के पास आता जाएगा, ठीक है, वो अप्रोच करेगा सेंटर को, ठीक। ऐसे ही यहां पे क्या है, यहां पे आपका फर्मी लेवल इस जगह पे है, यहां से टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो सेंटर को अप्रोच करेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है, टेम्परेचर वेरिएशन, क्योंकि अभी अभी हमने देखा पी टाइप में क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ई एफ माइनस ईवी यहाँ पे भी बढ़ रहा है, गैप मतलब इसका मतलब हमारा फर्मी लेवल यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये ब्लू वाला मैंने क्या बनाया है, ई एफ, फर्मी लेवल का वेरिएशन। समझ में आ गया, इस फिगर में कोई डाउट है? कसर ठीक है, तो इसको हम अगर एक लाइन में लिखना चाहें तो इसका मतलब क्या है, वन लाइनर अगर हम इसके लिए लिख लें तो वन लाइनर इसका ये हो जाएगा, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, द फर्मी लेवल मूव्स टुवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ, सेंटर कह लें या फिर मिड पॉइंट कह लें, ऑफ द बैंड गैप, ठीक है। बैंड गैप क्या है, बैंड गैप क्या होता है, गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ठीक है ना। ये जो मिड पॉइंट है उसको अप्रोच करता है हमारा फर्मी लेवल टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, चाहे वो कोई सा भी टाइप हो, वेदर इट इज एन टाइप और पी टाइप, चाहे कोई सा भी टाइप हो। एन टाइप में क्या होगा, एन टाइप में वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा सेंटर की तरफ, पी टाइप में नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा सेंटर की तरफ, ठीक है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, समझ में आ गई बात। चलो एक और बचा हमारा फर्मी लेवल इंट्रिंसिक के लिए, हमने एन टाइप और पी टाइप के लिए तो देख लिया है ना, एक हमारा इंट्रिंसिक वाला भी तो था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसके लिए भी देख लेते हैं। फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक का हमें पता है क्वालिटी क्या थी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर ऑफ होल्स, एन इक्वल्स टू पी था वहां पे, इसको हमने कोई नाम दे दिया एन आई, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू होल्स, क्योंकि वो एक साथ में जनरेट हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होने की वजह से, इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही होल्स हैं, ठीक है। तो हम दोनों को इक्वल रख देते हैं, जो अभी हमने एन और पी का वैल्यू ऊपर निकाला है उसको इक्वल रख देते हैं। एन का वैल्यू हमने क्या निकाला था, एन का वैल्यू हमने निकाला था एन सी एक्चुअल माइनस ई सी माइनस ई एफ। अब ई एफ को मैं ई एफ आई लिख रहा हूं क्योंकि मैं इंट्रिंसिक के लिए निकाल रहा हूं, है ना, इसलिए मैंने ई एफ को ई एफ आई से डिनोट कर दिया,
ओवर के बी टी इक्वल किसके हो जाएगा, ये एन वी एक्सपोनेंशियल ई वी माइनस ई एफ आई ओवर के बी टी। यहाँ पे नाम देते हैं ई एफ आई क्या है, ई एफ आई इक्वल टू फर्मी लेवल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसको हम लोग अगर थोड़ा इधर उधर करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा ई एफ आई इक्वल टू ई सी प्लस ई वी डिवाइडेड बाई टू प्लस, एक मिनट बेटा होल्ड करना जरा, एक मिनट। हाँ हो जाएगा ई एफ आई इक्वल टू ई सी प्लस ई वी बाई टू प्लस के बी टी बाई टू एल एन एन वी ओवर एन सी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन फर्मी लेवल कहाँ पे होता है, ई एफ आई लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ बैंड गैप ई सी प्लस ई आई टू। इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों बराबर हैं, तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट पे लाई करेगा जब हमारा टेम्परेचर जीरो होगा। ठीक है, और हायर टेम्परेचर के लिए उसमें इसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। ऊपर या नीचे मूव होगा किस पर डिपेंड करेगा, किसकी कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स की, लेकिन वो हमेशा सेम रहेगी, तो ये इनसेट इंडिपेंडेंट रहेगा, ये केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा एक बात और है, एन वी और एन सी इनका जो वैल्यू होता है वो अभी हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एन वी का वैल्यू होता है केवल आप देख लीजिए, टू इंटू टू पाई एम पी स्टार, एम पी स्टार क्या है, मास ऑफ होल, ठीक है, इंटू के बी टी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। ऐसे ही एन सी का वैल्यू क्या होता है, एन सी इक्वल टू टू इंटू टू पाई एम इलेक्ट्रॉन स्टार इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बी टी ओवर एच स्क्वायर, इसकी पावर पूरे की 3/2। ठीक है, तो अगर एन वी और एन सी का ये वैल्यू हम इसमें इक्वेशन पुट कर दें तो हमें ई एफ आई क्या मिल जाता है, ई एफ आई इक्वल टू ई सी प्लस ई वी बाई टू प्लस, ये जो पावर में 3/2 है ये लॉग की वजह से नीचे आ जाएगा, तो 3/2 इंटू 1/2 क्या बन गया, 3/4 के बी टी एल एन। बाकी सब सेम है दोनों में, केवल डिफरेंस किसका है, एम पी स्टार और नीचे क्या हो जाएगा, एम ई स्टार, स्टार का मतलब इफेक्टिव। ठीक है, तो ये बन गया हमारा टेम्परेचर के साथ रिलेशन फर्मी लेवल का फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, इसको अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की तरह, ठीक है, तो y क्या हो गया, y हो गया मेरा ई एफ आई, एक्स क्या हो गया, x हो गया t, और c की जगह पे क्या हो गया, c की जगह पे हो गया ई सी
प्लस ई वी बाई टू। और एम एक्स प्लस सी दिखता कैसा है? एम एक्स प्लस सी हमें कुछ इस तरह का दिखता है, एम एक्स प्लस सी हमें ऐसा दिखता है ना। सी क्या है? ये पॉइंट जिसने जिसने वाई एक्सिस पे काटा है वो पॉइंट क्या होता है? सी। ठीक, तो इसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन कुछ ऐसा आता है। इस एक्सिस पे क्या है? टेम्परेचर। इस एक्सिस पे क्या है? ई एफ आई। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ई एफ आई का वैल्यू इस तरह से बढ़ता जाएगा। जीरो टेम्परेचर पे इसका वैल्यू कितना है? ई सी। ये सी सी का वैल्यू कितना है? ई सी प्लस ई वी बाई टू। ठीक हो गई बात, ऑन में आ गया। और अगर स्लोप बोला जाए एम, तो एम का वैल्यू क्या है इस रिलेशन में? देख लो, एम का वैल्यू है 3/4 के बी एल एन एम पी स्टार ओवर एम ई स्टार। समझ आ गया सबको? कमेंट्स आने बंद हो गए बेटा। वो केवल मैंने आपको उसका वैल्यू बता दिया, ये वैल्यू कैसे आया इससे आपको कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है ना, ये प्लॉट समझ में आ गया? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल किस तरह से मूव करता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, अंशिका बेटा क्या हो गया? हाँ आ ही गया होगा, तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? इस तरह क्यों बोल रही हो? आ गया, चलो ठीक है, चलो अब हम लोग देख लेते हैं कंसंट्रेशन इंट्रिंसिक में। ठीक है, फर्मी लेवल का पोजीशन तो हमने निकाल लिया, हम देखते हैं कंसंट्रेशन फॉर इंट्रिंसिक ये कैसे निकालेंगे। एन और पी को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसा करते हैं। ठीक है, एन और पी को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? एन सी इंटू एन वी एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में मिलेगा हमको ई वी माइनस ई सी के बी टी। ठीक है, मैंने क्या किया, केवल एन और पी का जो हमने ऊपर वैल्यू निकाला है उनको मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब हमें पता है कि इंट्रिंसिक के केस में क्या होता है। इंट्रिंसिक के केस में होता है एन इक्वल टू पी इक्वल टू सम एन आई। ठीक है, इसको हमने एक नाम दे दिया एन आई। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एन आई स्क्वायर इक्वल टू एन सी एन वी एक्सपोनेंशियल। इसको माइनस बाहर ले लेते हैं तो ये बन जाएगा ई सी माइनस ई वी, क्योंकि ई सी का वैल्यू बड़ा होता है ना ई वी से। कंडक्शन बैंड ऊपर लाई करता है ईवी के, इसलिए मैं ईसी को लेफ्ट में ले रहा हूँ, ईवी को राइट में ले रहा हूँ। ठीक है, ईसी माइनस ईवी ओवर केबीसी। ठीक, तो यहाँ से एनआई का वैल्यू क्या मिल गया? एनआई इक्वल टू अंडर रूट एनसी एनवी एक्सपोनेंशियल माइनस ईसी माइनस ईवी, इसको मैंने बोल दिया बैंड गैप एनर्जी ईजी। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 के बी टी। 2 कहाँ से आ गया? अंडर रूट लेने से, क्योंकि एन आई स्क्वायर की जगह पे एन लिखा है ना मैंने, स्क्वायर रूट। इसके यहाँ पे 1/2 आ गया पावर में। ये वैल्यू बन गया आपका कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ईजी क्या है यहाँ पे? ईजी है
ईसी माइनस ईवी इक्वल टू बैंड गैप एनर्जी। ठीक है, क्लियर? सब लोग कमेंट करके बताओ, ये हमारा फर्मी वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है, इसलिए सब लोग कमेंट करके बताओ कहीं पे डाउट है। टू के बीटी बेटा इसलिए आया क्योंकि अंडर रूट लिया है, किसी की भी पावर है एक्स की पावर वाई है, ठीक है, इसका आप रूट लोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर वाई बाई टू। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर वन बाई टू, है ना। ये हमारा सेमीकंडक्टर वाला पार्ट फर्मी लेवल के टर्म्स में खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सब लोगों को समझ में आ चुका है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा दिया ये फर्मी लेवल वाला पार्ट। आपको केवल इसमें दो तीन चीज़ें याद रखनी है, फर्मी लेवल टेम्परेचर के साथ किस तरह मूव करता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ठीक है। फर्मी लेवल का जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया वो क्या है, जो हमने प्लॉट बनाए थे सिमिट्री आई थी फर्मी लेवल की, फर्मी एनर्जी के दोनों तरफ, सिर्फ आपको ये दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ा देता हूँ, वो थोड़ी मेरी गलती है, ठीक। मेन मेन पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है जो मैंने आपको अभी बताया, बहुत ज़्यादा उसके डीप में नहीं जाना है। यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से बात कर रहा हूँ बेटा मैं, वैसे पढ़ने के लिए तो डीप में ही पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप एग्जाम पर्पज से देखो तो एग्जाम पर्पज से इतना डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ रहे हो या फिर फिजिक्स सीखने के हिसाब से पढ़ रहे हो। मैं आपको फिजिक्स सिखाने के हिसाब से पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो अब देखते हैं कंडक्टिविटी, ये कंडक्ट किस तरह करता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेटल की कंडक्टिविटी, एक हेडिंग डाल लेते हैं बड़ा सा यार, इसको टाइप ही कर लें। चलो बेटा, हैंड रेज आप लोग क्यों किए हुए, हैंड रेज तब किया करो जब आपको कुछ बोलना हो, किसी को कुछ बोलना है तो हैंड रेज करे, वरना हैंड सारे नीचे कर लीजिए, ठीक है। किसी का ऐसा डाउट है जो वो लिख के नहीं बता पा रहा है तो मैं उसका माइक ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो कंडक्टिविटी अगर बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं मेटल की, ओम्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ क्या आया था, वी इक्वल्स टू आई आर, यहाँ पे आर का वैल्यू क्या था, आर का वैल्यू था रो एल अपॉन ए, ठीक। ये हमने देखा था ना, आर का वैल्यू रो एल अपॉन ए, पहली क्लास में हम लोगों ने सिमुलेशन भी करके देखा था कि लेंथ और एरिया के साथ क्या फर्क पड़ता है, रो के साथ क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि आर का वैल्यू आता कैसे है, आर इक्वल्स टू
रो एल अपॉन ए, ठीक है? कैसे आता है यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है? तो अगर हम स्टार्टिंग से चलें कि करंट फ्लो किस वजह से होता है, करंट किस वजह से फ्लो होता है, किसी सर्किट में हमने अगर बैटरी लगा दी हो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, यही तो होता है। तो मैं यहाँ पे एक फिगर बना लेता हूँ, एक ये मेरा कोई कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है कोई, ठीक है? इसका लेंथ है एल, ये हो गया इसका लेंथ एल, बंद हो रहा है फिर से, अरे यार बयालीस लोग रह गए केवल, बीच बीच में भाग रहे हैं सब लोग, क्या बात है यार ये, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा अब, बहुत हो गया, अब मैं सोच रहा हूँ क्लास लेना बंद कर दूँ, लोग भाग जाते हैं क्लास के बीच में। चलो मेटल, यहाँ पे हम बना रहे थे, क्या बना रहे थे, एक हमने कंडक्टर बना दिया, इसका लेंथ क्या है एल और इसका फ्रंट का एरिया है यहाँ पे ए, ठीक है? इसको मैंने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है? इसका कुछ ईएमएफ है, वोल्टेज वी, इस बैटरी की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा इस तरह से, इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू क्या होगा, ई इक्वल्स टू, चलो बातें नहीं इधर ध्यान दो, ई इक्वल्स टू वी अपॉन एल, ठीक है? अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू मूव, है ना? फिर से बंद हो रहा है यार ये, क्या है ड्रामा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू मूव। नहीं, बैटरी लो नहीं है बेटा, लैपटॉप ही पूरा लो है हमारा, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू, चलो बातें नहीं, मूव। अब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उनकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, है ना? जो भी चीज मूव करती है उसकी हम कुछ वेलोसिटी मेजर करते हैं, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, वी डी, इसको हम बोलते हैं वी डी, ये है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करता है, एफ इक्वल्स टू ई क्यू, ठीक है? न्यूटन पर कूलॉम, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको यूनिट पता होगा न्यूटन पर कूलॉम, फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, ठीक है? इसी फोर्स की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये कनेक्शन होता है, वी डी इक्वल्स टू म्यू ई ई। ये क्यों है, क्योंकि वी डी इज प्रोपोर्शनल टू ई, इस प्रोपोर्शनलिटी को आपने हटाया तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है म्यू ई, ठीक है? इस कोएफिशिएंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कहाँ हो रही है सर, बेटा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर, उन्हीं की जो वेलोसिटी है,
करंट कैसे फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है ड्यू टू मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। आप लोग पहला लेक्चर ध्यान कीजिए जिसमें आपको मैंने एनिमेशन दिखाया था करंट फ्लो होने का। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे ना, और बीच में इम्प्योरिटीज से टकरा भी रहे थे, ध्यान है वो एनिमेशन? अभी ये स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बेसिक्स वाला एक लेक्चर दिखाया था, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे और बीच में इम्प्योरिटीज से टकरा रहे थे, ठीक है? तो ये सारा कोलिजन वगैरह सब कुछ मिला के जो इफेक्टिव वेलोसिटी आती है इलेक्ट्रॉन की, है ना, वो चल भी रहा है, रुक भी रहा है बीच बीच में, ठीक है, किसी चीज से टकरा के रुक जाता है, कहीं आयन से टकरा गया, कहीं इम्प्योरिटी से टकरा गया, तो ये सब के बाद जो एक इफेक्टिव उसकी वेलोसिटी आती है निकल के, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? इसका रिलेशन सीधे सीधे ये इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा उसका वेलोसिटी होगा। प्रोपोर्शनलिटी को हमने हटाया तो एक कॉफिशेंट आ गया म्यू ई। इस म्यू ई को हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी, ठीक है? इसका नाम है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? ये बात समझ में आ गई ना? तो अब अगर हम बात कर लें करंट की, करंट क्या होता है? करंट आई, आई क्या है? डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। मोबिलिटी बेटा केवल एक कोएफिशिएंट है जिसको हमने नाम दे दिया है मोबिलिटी। हमने निकाला था यहाँ से वी डी इज प्रोपोर्शनल टू ई, क्योंकि फोर्स की वजह से ही वेलोसिटी मिल रही है ना? इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हमने हटाया तो एक यहाँ पे कोएफिशिएंट आ गया। ये तो आपको पता है ना, जैसे वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स मैंने लिखा, इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटा के अगर मुझे इक्वल लगाना है तो साथ में कुछ एक कोएफिशिएंट आ जाता है, जैसे के आ गया, वाई इक्वल्स टू के एक्स हो गया यहाँ पे। ये आपको पता है या नहीं पता है? अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को मुझे इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लीकेशन में एक कोएफिशिएंट आ जाता है। ये आपने कहाँ सीखा था? ये आपने सीखा था 11th क्लास में, चैप्टर डायमेंशंस, वहां पे सीखा था या नहीं सीखा था? चलो पहला या दूसरा चैप्टर रहा होगा, ये दूसरा चैप्टर होगा मेरे ख्याल से। चलो तो आई इक्वल टू हो गया डी क्यू बाई डी टी। क्यू का टोटल वैल्यू क्या है? क्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? मैं क्यू का वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो क्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? चलो इसको हटा लेते हैं, पहले क्यू निकाल लेते हैं। क्यू इक्वल टू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? नंबर डेंसिटी है ये एन। डेंसिटी को हमें किससे मल्टीप्लाई करने का? वॉल्यूम से। वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ये हो गया नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी मतलब नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? नंबर पर यूनिट वॉल्यूम को आपने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल नंबर निकल आया। उस टोटल नंबर को हमने चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ई, तो यहाँ से हमारा टोटल चार्ज आ गया। समझ आ गई बात? तो करंट का वैल्यू क्या मिल गया हमको? करंट का वैल्यू मिल गया एन ई ए एल अपॉन टी, ठीक है? डेरिवेटिव को मैंने इस टर्म में लिख लिया सिंप्लीफाई करके, थोड़ा सा क्लियर है? इस एल अपॉन टी को मैंने क्या बोल दिया? वेलोसिटी। तो टोटल लेंथ किसकी लेंथ है? ये कंडक्टर की लेंथ है। इसको कवर करने में जो टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोल देंगे? वेलोसिटी बोल देंगे, वी डी। ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक? तो करंट का वैल्यू क्या बन गया? बेसिकली करंट बन गया आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ठीक है?
ये जो रिलेशन बेटा निकला है ना, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, इसको आप हमेशा याद रखना, ये कॉम्पिटिशन्स वगैरह में बहुत काम आएगा आपके, जब आप एग्जाम्स दोगे जॉब के लिए वहाँ पे ये बहुत काम आएगा। अगर आप फिजिक्स रिलेटेड एग्जाम दोगे तो आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी बहुत काम आएगा। ठीक है, अब हम लोग ओम्स लॉ निकाल लेते हैं। आर इक्वल्स टू क्या है, रेसिस्टेंस, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, है ना। तो ये हो गया वी अपॉन एन ई ए वी डी। वी डी का वैल्यू हमने ऊपर क्या निकाला था, म्यू ई इंटू ई एन ई ए, वी डी की जगह पे लिख दिया म्यू ई इंटू ई। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ई अपॉन वी, ई अपॉन वी बन रहा है। इसको हम लोग लिख देंगे वन अपॉन एन ई म्यू ई ए, वी अपॉन ई को मैंने लिख लिया वन बाई एल। नहीं, वी अपॉन ई वन बाई एल नहीं बनेगा, एल बनेगा, क्योंकि यहां से हमने कैसे निकाला था, ई इक्वल्स टू वी बाई एल था जहां से हमने स्टार्ट किया था, ये वाला जो इक्वेशन था, ये इक्वल्स टू वी बाई एल, इसको मैंने यूज कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो मेरा रिलेशन क्या बन गया, आर इक्वल्स टू वन अपॉन एन ई म्यू ई एल अपॉन ए। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ये, अब इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो यहां से रो इक्वल टू हो गया वन अपॉन एन ई, अरे यार, म्यू ई। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। ठीक है, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट होती है इसकी ओम मीटर, इसको एसआई यूनिट्स में बोलते हैं, सेमेंस भी। सेमेंस इनवर्स, ठीक है। वैसे आप ओम मीटर याद रखो, सेमेंस पे जाने की आपको जरूरत नहीं है, आप ओम मीटर याद रखिए। अगर इसका मैं अपोजिट ले लूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूँ, कंडक्टिविटी विल बी एग्जैक्टली अपोजिट टू रेसिस्टिविटी, ये हो जाएगा वन बाई रेसिस्टिविटी इक्वल टू एन ई म्यू ई। कंडक्टिविटी को हम दिखाते हैं सिग्मा से, सिग्मा इक्वल टू वन बाई रो इक्वल टू एन ई म्यू ई। ठीक है, वो सीमेंस इनवर्स था, तो ये क्या बन गया, ये बन गया सीमेंस। क्लियर हो गया एकदम। ओम मीटर कहाँ से आया, ओम मीटर देखो बेटा, आर इक्वल्स टू है रो एल अपॉन ए, लेंथ का डायमेंशन क्या है मीटर, एरिया का क्या है मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से रो इक्वल्स टू क्या बन गया, आर इंटू एम, आर का क्या होता है रो, और ये हो गया मीटर, तो डायमेंशन क्या बन गई इसकी, ओम मीटर। ठीक है बेटा, चलो तो हमारी कंडक्टिविटी आ गई एन ई म्यू ई। यहाँ पे एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यू ई क्या है मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी की आपसे अगर डेफिनेशन पूछी जाती तो क्या बताओगे,
हम लोगों ने क्लास में कई बार डिस्कस किया है कि डेफिनेशन को कैसे बताना है फॉर्मूला को यूज करके। तो डेफिनेशन म्यू ई की क्या है यहाँ पे? म्यू ई इक्वल टू वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद यूनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है उसको आप यूनिट कर दोगे, ई इक्वल्स टू वन कर दोगे। अगर मैंने यहाँ पे ई इक्वल टू वन कर दिया तो म्यू ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वी डी हो जाएगा, है ना? इफ ई इक्वल्स टू वन देन म्यू ई इक्वल्स टू वी डी। तो यहाँ से डेफिनेशन में क्या बता सकता हूँ मोबिलिटी की? मोबिलिटी इज इक्वल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद यूनिटी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? व्हेन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिटी देन द मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डेफिनेशन को आपको बनाना है, याद नहीं करना है, केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेफिनेशन अपने आप बन जाती है। तो हम लोगों ने मोबिलिटी निकाल ली थी। अब हम लोगों ने कंडक्टर की तो देख ली, तो अब हम लोग देख लेते हैं सेमीकंडक्टर की भी, क्योंकि मेन टारगेट तो हमारा सेमीकंडक्टर ही है ना इस यूनिट में। कंडक्टर की तो हमने मजे मजे में निकाल ली। ठीक, सीमेंस बेटा उसका नाम है, ओम मीटर का, ओम मीटर इनवर्स का नाम है सीमेंस। यूनिट है वो, यूनिट उसको भूल जाओ आप, ओम मीटर याद रखो। ये हो गया आपका ओम मीटर इनवर्स। जस्ट आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए, कहीं पे कोई ये वर्ड यूज कर दे सेमेंस तो आपको एकदम से झटका नहीं लगना चाहिए, क्या बोल दिया आदमी ने, इसलिए मैंने लिख दिया इसको यहाँ पे। ठीक है, पता सब कुछ होना चाहिए। सेमीकंडक्टर में क्या है? सेमीकंडक्टर में हमारी अगर कंडक्टिविटी को हम डायरेक्टली लिखना चाहें यहाँ से तो क्या हो जाएगा? सिग्मा इक्वल टू एन ई म्यू ई प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे? पी ई म्यू एच। कोई डाउट? यहाँ पे म्यू एच क्या है? मोबिलिटी ऑफ होल्स। म्यू ई तो हमें पता ही है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पी इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। एन इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। हाँ बेटा, उस पर भी आएंगे अभी, बस हम वहीं जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो आपकी टोटल कंडक्टिविटी क्या हो गई? सिग्मा इक्वल्स टू, ये इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा और ये होल्स पे। ठीक है, और अगर इंट्रिंसिक हो जाता तो इंट्रिंसिक के केस में क्या होगा? एन इक्वल टू पी इक्वल टू एन आई। तो वहां से सिग्मा क्या हो जाएगा? एन आई कॉमन ले लिया, म्यू ई प्लस म्यू एच, और ई भी दोनों के लिए कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका इंट्रिंसिक का। ठीक है ना? ये इंट्रिंसिक का हो गया। अब एन टाइप की बात करें, एन टाइप में क्या होगा? एन टाइप में आप देखो, जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एन टाइप के लिए, मैंने यहाँ नीचे सफिक्स में एन लगा दिया है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच लार्जर देन नंबर ऑफ होल्स। ये बात तो क्लियर है, क्योंकि एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए
सिग्मा क्या बन जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू ऑलमोस्ट इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन एन ई म्यू ई। सेकेंड वाले टर्म को हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है और एग्जैक्ट वैल्यू तो वही है जो हमने सबसे पहले लिखी थी, एग्जैक्ट तो यही रहेगा चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, ये हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। ऐसी थर्ड क्या हो जाएगा, पी टाइप। पी टाइप के अंदर आपके मेजोरिटी चार्जेस, चार्ज कैरियर्स क्या हैं, होल्स हैं, इनका नंबर बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स से, तो यहाँ से हमारा सिग्मा क्या आ जाएगा, ये सिग्मा एन लिख दिया इसको, इसको लिख दिया सिग्मा पी, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा पी पी ई म्यू एच। क्लियर, हाँ बेटा आठ चालक कहते हैं। बच्चे घटते जा रहे हैं, 37 रह गए, क्या बात है, ज्यादा लंबी क्लास हो गई क्या, बंद करें क्या। अच्छा बंद करें, चलो ठीक है, वैसे भी मेजर पार्ट हम लोगों का कवर हो चुका है। पीएन डायोड तक हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, चलो ऐसा करते हैं इसके आगे फिर कल ही स्टार्ट करते हैं, आज आज पीएन डायोड तक पहुंच नहीं पाएंगे वैसे भी मैं देख रहा हूँ, तो इसको कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, इतना आज आप लोग रिवाइज कर लेना। सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं, अरे यार ये किस तरह का सवाल है तुम्हारा, पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं बेटा, जिससे तुमको ये पढ़ा हुआ है क्या, मैं तो बेटा ये मान के पढ़ाता हूँ कि तुम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा 12th क्लास में, क्योंकि मैंने तुम लोगों के लक्षण देखे हैं क्लास में, इसलिए मैं सब कुछ ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, चलो पढ़ा तो तुमने रखा है, लेकिन अगर मैं इसके तुम्हें क्वेश्चन दे दूंगा तो तुम लोग कर नहीं पाओगे, इसलिए मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। आप पूछो बेटा, अरे यार अब ये बोनसाई यहाँ पे पूछने लगे तुम, ओहो बहुत है बेटा, चलो ठीक है इसको रिवाइज कर लेना, कल कंटिन्यू करते हैं फिर, कल तुम्हें वो पढ़ाएंगे जो तुमने 12th क्लास में नहीं पढ़ा है, ठीक है, और जो 12th 12th कर रहे हो ना बेटा, अगर मैं सामने खड़े होकर वाइवा लूंगा तो आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे, मोबिलिटी की डेफिनेशन पूछेंगे नहीं बता पाओगे, इसलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है, चलो कल मिलते हैं, रिवाइज कर लेना, बाय बाय।